हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं आस्था चौहान आप सभी का न्यूज 29 इंडिया में स्वागत करती हूं। और आइए देखते हैं बॉलीवुड में पकती कुछ खास खबरें। सुपरस्टार कमल हसन ने अपनी फिल्म विश्वरूप 2 का ट्रेलर जारी किया है। कमल हसन की लिखी कहानी और उन्हीं के निर्देशन में बनी ये फिल्म हिंदी और तमिल में ओरिजिनल शूट की गई है और तेलुगु में इसे डब किया गया है। साउथ में इसे विश्वरूपम 2 नाम दिया गया है। दूसरे भाग में भी कमल हसन आतंकियों से निपटने के लिए एक मिशन पर है और रॉ एजेंट के किरदार में अलग अलग रूप बदलकर दुश्मनों का सफाया करते हैं। उनकी लड़ाई इस बार भी एक धर्म विशेष के नाम पर आतंक फैलाने वालों के खिलाफ है। इस लड़ाई के लिए बदले गए रूप को देख हर कोई चौंकने वाला है। हिंदी सिनेमा बायोपिक से भरने लगा है और उसी कड़ी में एक नाम और जुड़ गया है, भारतीय हॉकी के बेहतरीन ड्रैग फ्लिकर संदीप सिंह का। उनके जीवन पर एक फिल्म बनाई गई है सुरमा, जिसका ट्रेलर सोमवार को जारी किया गया। भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान संदीप सिंह पर बनी बायोपिक सुरमा में दिलजीत दोसांझ ने मुख्य भूमिका निभाई है। शाद अली के निर्देशन में बनी इस फिल्म में तापसी पन्नू, अंगद बेदी, विजय राज और कुलभूषण खरबंदा की अहम भूमिका है। पंजाब के सिंगर एक्टर दिलजीत ने फिल्म उड़ता पंजाब के जरिए अपने अभिनय का एक नजारा दिखाया था और इस फिल्म में वो पूरी तरह हॉकी खिलाड़ी और उनके साथ हुए हादसे को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 11 जून को जानवी कपूर की डेब्यू फिल्म धड़क का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ट्रेलर को लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया सोशल मीडिया में देखने को मिल रही है। बॉलीवुड से धड़क और जानवी को भरपूर समर्थन मिल रहा है। खासकर भाई अर्जुन कपूर अपनी हाफ सिस्टर जानवी को जिस तरह सपोर्ट कर रहे हैं वो वाकई दिलचस्प है। अर्जुन ने धड़क का ट्रेलर शेयर करते हुए लिखा, जानवी कपूर आज से एक नई और खूबसूरत यात्रा शुरू कर रही है। ईशान और तुम शानदार हो। धड़क ट्रेलर में दोनों ने वाकई जादू कर दिया है। तुम दोनों के लिए सिर्फ प्यार, पूरी टीम के लिए शुभकामनाएं। सलमान को बच्चे बहुत पसंद है और ये सभी जानते हैं। बच्चों को लेकर अपने प्यार का सबूत खुद सलमान भी अक्सर देते रहते हैं। फिलहाल सलमान अपनी आने वाली फिल्म रेस 3 के प्रमोशन में लगे हुए हैं। हाल ही में हम सभी ने कलर्स चैनल के नए शो डांस दीवाने के मंच पर बच्चों के साथ सलमान की मस्ती देखी थी, जिसे माधुरी दीक्षित, शशांक खेतान और तुषार कालिया जज कर रहे हैं। इस शो की खास बात यह है कि इसमें पार्टिसिपेशन के लिए कोई उम्र की सीमा नहीं है, लेकिन हमने देखा कि जब भी कोई बच्चा मंच पर आता है तो सलमान उनके साथ डांस करने से अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। अमेरिका से पहले भारत में अवतरित हुआ धरती का विलुप्त प्राणी डायनासोर बॉक्स ऑफिस पर अपना दम दिखा गया है। फिल्म जुरासिक वर्ल्ड फॉलन किंगडम को रिलीज के पहले 4 दिनों में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 38 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है। जाने माने फिल्मकार स्टीवन स्पिलबर्ग के डायनासोर संसार यानी जुरासिक पार्क के इस साल 25 साल पूरे हो रहे हैं। जुरासिक वर्ल्ड फॉलन किंगडम को भारत में रजनीकांत की काला के साथ ही गुरुवार को ही रिलीज किया गया। फिल्म को 4 दिनों में भारतीय बॉक्स ऑफिस से डेडपूल की तरह का ही कलेक्शन मिला है। डेडपूल को 3 दिनों में 33 करोड़ 40 लाख रुपए की कमाई हुई थी। बॉलीवुड में इन दिनों बायोपिक का दौर है। ऐसे में जब हाल ही में हुए एक इवेंट के दौरान वरुण धवन से पूछा गया कि वो किस बायोपिक का हिस्सा बनना चाहेंगे, तो वरुण ने इसके जवाब में कहा कि अगर मुझे किसी शख्स की बायोग्राफी प्ले करने का मौका दिया गया तो मैं अपने पिता पर बनी फिल्म में काम करना चाहूंगा। चूँकि वरुण का मानना है कि उनकी जिंदगी की शुरुआती दौर से लेकर जब तक उनका जन्म नहीं हुआ था उस पूरे मोमेंट को बड़े पर्दे पर लाना यादगार रहेगा। हालांकि वरुण ने ये भी कहा कि बायोपिक की वजह उन्हें फिक्शनल कैरेक्टर्स अधिक पसंद आते हैं। रजनीकांत की फिल्म काला के हिंदी वर्जन ने भले ही बॉक्स ऑफिस पर निराश किया हो, लेकिन इस फिल्म के बाकी वर्जन्स ने दुनिया भर से 120 करोड़ से अधिक की कमाई कर ली है। पिछले गुरुवार को रिलीज हुई काला ने 5 दिनों में 122 करोड़ 15 लाख रुपए का वर्ल्ड वाइड कनेक्शन किया है। चेन्नई के बॉक्स ऑफिस से फिल्म को 7 करोड़
23 लाख रुपए हासिल हुए, जबकि तमिलनाडु से 47 करोड़ 10 लाख रुपए का कलेक्शन मिला है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से फिल्म को 5 दिन में सिर्फ 13 करोड़ 10 लाख रुपए की कमाई हुई है। बॉलीवुड से जुड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी आस्था चौहान को दीजिए इजाजत, मैं फिर लौटूंगी कुछ चटपटे गॉसिप्स के साथ। देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।